गायनी संस्था की ब्रांच है जो पूरे देश में काम करती है। खास बात यह है कि अब अलीगढ़ में भी इसकी शुरुआत की गई है। बता दें कि 9 दिसंबर को मोनोपोल सोसाइटी का शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को आगे रखना था जो महामारी के समाप्त होने के बाद हार्मोन्स के बदलाव के कारण बहुत सारी शारीरिक समस्याओं से जूझती हैं, जिसकी वजह से वे कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। बीमारियों से महिलाओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके से कैंप लगाकर और कार्यक्रमों को आयोजित कर महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान फैशन शो के जरिए महिला डॉक्टर्स ने महिलाओं को जागरूक करने की बेहतरीन कोशिश की। सभी ने हाथों में बैनर लेकर रैंप पर चलकर सभी महिलाओं से स्वस्थ रहने की अपील की। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें शहर के जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ और इंडियन मोनोपोल सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही डॉक्टर शोभना मोहनदास, सेक्रेटरी डॉक्टर अंजू सोनी, मुख्य अतिथि डॉक्टर हमीदा तारिक की उपस्थिति सराहनीय रही। साथ ही डॉक्टर नीतिका गर्ग, डॉक्टर मीनाक्षी सूद, डॉक्टर नीति गोयल ने कार्यक्रम का संचालन किया। मैम, इस जो आपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? ये हमारी एक ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी संस्था की एक ब्रांच है, मेनोपॉज सोसाइटी। ये पूरे देश में काम करती है। इसका हमने अलीगढ़ में शुभारंभ किया है उन महिलाओं के लिए जो उम्र के उस पड़ाव पर हुई हैं जहाँ महावारी समाप्त होती है। उस समय वो महिलाएं, क्योंकि हॉर्मोन्स की वजह से उनको बहुत सारी शारीरिक समस्याओं को फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए हम उन्हें पहले से जागरूक करना चाहते हैं अलग अलग तरह के कैंप करके, जैसे हड्डियों की कमजोरी, मोटापा, मोटापे की वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाइपोथायराइड होना, जो सारी समस्याओं को जन्म देता है। अगर हम उसी वक्त उन महिलाओं को जागरूक कर दें और उनको ये बताएं कि किन सिम्टम्स के आने पर वो तुरंत डॉक्टर से मिले, तो उनकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। और हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ महिलाएं स्वस्थ समाज का इम्पोर्टेंट पिलर होती हैं, तो हमें उस समय तक स्वस्थ रखना है जब तक वो इस संसार में है। बिकॉज एवरीवन नोज व्हेन वुमेन मूव देन द वर्ल्ड मूव्स। थैंक यू। देश प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।